बुरहानपुर में नगर निगम विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों के बाद एक्टिव मोड में है, जिसके तहत नगर निगम का अमला आज गोटिया पीर स्थित सभी माल और दुकानदारों से टैक्स वसूल करने पहुंचा, जिसके चलते शाह एंड शाह मॉल का मालिक अपने मॉल को बंद कर भाग खड़ा हुआ है और किसी भी कर्मचारी का मूल्यांकन करने से वंचित करता रहा। आपको बता दें कि यहाँ ना तो बिल्डिंग बनाने की परमिशन है और ना ही बिल्डिंग का किसी प्रकार का कोई टैक्स अदा किया है, जिसको लेकर नगर निगम के आयुक्त अमले ने मौके पर पहुंचे और माल के बाहर से ही मूल्यांकन कर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए। लैंड पे हम खड़े हैं, ये खसरा निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुआ है। तब से यहाँ के जो रहवासी हैं, मकान वाले, इन लोगों ने नगर निगम में आकर अपना टैक्स जमा नहीं किया। इनको इस संबंध में पहले हमने नोटिस जारी किए थे। हमारे टैक्स हरीर ने इनसे आके चर्चा भी की, 1-to-1 बताया भी कि आपको टैक्स जमा करना है विवरणी भर के, किंतु इनके द्वारा कोई ना कागज़ जमा किए गए ना विवरणी। तो अधिकारी शाह मॉल जो है उसकी परमिशन नहीं बताई जा रही है। साइन शाह मॉल द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा ग्रामीण से मैंने परमिशन ली है। वर्तमान में इनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ था 2022 में कि कोई भी परमिशन ग्रामीण से जारी नहीं की जाए। वर्तमान में इनको नोटिस भी दिया गया, उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया गया कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य नहीं दिया गया। आज भी मेरे द्वारा नोटिस को पहुँचाया गया, लेने से इनकार कर दिया एवं उनके द्वारा पूरा अपना ऑफिस बंद करके, अपना पूरा गोडाउन बंद करके यहाँ से चले गए। ये कितने माले की बिल्डिंग है? ये 6 से जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ है और 2015 की गजट नोटिफिकेशन से यह क्षेत्र नगर निगम सीमा में शामिल हो गया है। तब से नगर निगम की ओर से कई बार यहाँ के व्यवसायी और भवन स्वामियों को सूचना दी गई है कि वो अपना संपत्ति कर का जो निर्धारण कराएं और नगर निगम में जो भी निर्माण कर रहे हैं उसकी विधिवत अनुमति लेकर निर्माण करें, लेकिन लगातार उन नोटिस का यहाँ से उल्लंघन हो रहा था। तो आज नगर निगम की पूरी टीम है यहाँ पर, हमारी असेसमेंट एजेंसी भी है, यहाँ जितनी भी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियाँ हैं उन सबका हम लोग यहाँ नापजोक कर रहे हैं ताकि उनके आधार पर उन पर करारोपण किया।